6,000 रुपये लेके हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना, हमारे इस ट्रेडिंग जर्नी पे कौन से दिन मेरे को प्रॉफिट होता है, कौन से दिन मेरे को लॉस होता है, मेरे ट्रेडों के पीछे क्या लॉजिक रहता है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता है। एंड इस 6,000 रुपये को मैं जो है 6 लाख तक लेके जाने वाला हूँ। एंड ये हमारा इस ट्रेडिंग जर्नी का एपिसोड नंबर है 96। सो आज के दिन आप लोगों ने कैसे किया प्रॉफिट किया लॉस किया हर एक चीज़ के ऊपर आप लोगों को बताते हैं। बट उससे पहले आपसे भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अपने से छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। एंड कोई भाई अगर चैनल पर नए हो, आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नी ट्रेडिंग सीरीज पसंद आ रहा है, देन आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे ये टोटली आपका पर्सनल चॉइस है। ओके, तो आज का मार्केट में जो है बहुत दिन से हम लोगों को कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को कंटिन्यू मार्केट में फॉल देखने को मिला। एंड उसके बाद आज के दिन हम लोगों को मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिशनेस शो किया, अच्छा खासा जो है अपमूव हम लोगों को देखने को मिला। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आज का मार्केट में आपने कितना पैसा कमाया या गवाया, आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ पहले तो आप कमेंट करके बताओ, फिर आज का दिन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, मैंने कहाँ पे अपना ट्रेड्स प्लान किया, वो आप लोगों को अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहले आज के मार्केट का अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ खास बहुत ज़्यादा मूव तो नहीं देखने को मिला, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को अपमूव सेकेंड हाफ में हम लोगों को एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, ठीक है। एंड लास्ट डे हम लोगों ने एक छोटा सा लॉस किया था, छोटा सा तो नहीं, एक अच्छा खासा लॉस किया था। उसके बाद मेरा कैपिटल बना था 7,950, यही 7,950 रुपये लेके आज हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं यहाँ से। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया। इस जगह से मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया, एक बारी, दो बारी, ऑलमोस्ट 3 बारी यहाँ पर सपोर्ट का भी एक्ट किया। अगेन से इस जगह पर भी थोड़ा सा टाइम बिताया था। एंड अगेन आज हम लोग कह सकते कि उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास जो है मार्केट इस जगह से वापस से आज भी सपोर्ट लिया है। इस ट्रेड लाइन को मैंने ड्रॉ किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, एंड उसी ट्रेड लाइन के बेसिस पे आज मार्केट ने जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते हुए हम लोगों को दिखा है। चलते हैं अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ वो सारा तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खाली डिसीजन लेता हूँ एंड चेक करता हूँ कि मार्केट का मूव कैसा है एंड कौन सी जगह पे प्रॉपर जो है रेजिस्टेंस है या पे सपोर्ट है। यह सब चीज़ों के लिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। ट्रेड लेने के लिए बेसिकली मैं तो भाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को, पुराने जो भाई लोग हैं उन लोगों को पता होगा मेरा जो ऑप्शन चेन वाला स्ट्रैटेजी है बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है। एंड उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर पिछले मैं कुछ दिनों से ना, ये लास्ट के ट्रेडिंग डेज तो मैं कह सकता हूँ मेरा एकदम लूजिंग स्टिक चल रहा है, कंटिन्यू मैं लॉस होते जा रहा है, ऐसा सीन मेरे साथ चल रहा है। ऐसा होता है, हर ट्रेडर के साथ होता है। जो लोग बहुत सारे लोग ओनली प्रॉफिट दिखाता है लॉस नहीं दिखाता, उनके साथ भी होता है, सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। बट बहुत सारे लोग दिखाता नहीं, यही चीज़ गलत लगता है मेरे को यूट्यूब में। सब लोग अपना खाली प्रॉफिट दिखाता है, भाई अपना लॉस भी तो दिखाओ, जब आप लॉस करते हो लॉस क्यों नहीं दिखाते, पता नहीं सबका क्या माइंड सेट है वो मुझे समझ नहीं आता। देखिए स्टार्टिंग में जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा हम लोगों को रेड कैंडल देखने को मिला, देन मार्केट ने हेवी स्टार्टिंग के एक घंटा तो एक हेवी फॉल दिखाया और मार्केट ने बिहेवियर पूरा अनसर्टेन बिहेवियर कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कैंडल्स कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, एकदम 20-20, 30-30 पॉइंट का कैंडल्स बन रहा है एंड एकदम से ऊपर एकदम से नीचे ये वाला सीन चल रहा था। तो इस टाइम ना मैं मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहा, क्योंकि इस टाइम पे मैं घुस के कुछ फ़ायदा इसमें अपना बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिन का टारगेट रहता है, मेरा 150 लॉस हो जाए तो मैं उस दिन और ट्रेड नहीं करता हूँ और मेरा 300 का प्रॉफिट हो जाए तो मैं उस दिन और ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इतना छोटा सा एसएल लेके मैं इस मार्केट में मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा, टिकी नहीं पाऊंगा। तो इसी वजह से मैंने इस टाइम को थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ पे तो भाई तुरंत एक कैंडल में 10 पॉइंट का अप 10 पॉइंट का डाउन ऐसे तो ईजी चल रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने थोड़ा सा वेट किया एंड वेट करने के बाद मैंने देखा कि मार्केट, मुझे तो लगा था कि पहले ये जो 1 आवर का मैंने जो सपोर्ट वाला एरिया ड्रॉ किया है इस जगह को ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे गया एंड नीचे से मार्केट जो हम लोग को अपसाइड जाने को देखने को मिला। यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी करते हुए मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मेरा जो है सेटअप बन रहा था। यहाँ पे सेटअप क्या बन रहा था, 22,300 पे ऑप्शन चेन डाटा मुझे बता रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो इस जगह पे क्या हुआ कि मार्केट ने 22,300 को टच नहीं किया, तो मैंने एंट्री नहीं किया, अवॉइड किया। सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड टाइम पे मार्केट इसको थोड़ा सा ऊपर गया एंड यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे मुझे खास एंट्री नहीं मिला। थर्ड टाइम पे मुझे परफेक्ट एंट्री मिल रहा था एंड मैं इस जगह पे थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा अपना एंट्री था कुछ, मैं एक प्लान बना रहा था कि इस प्रीमियम पे आते ही मैं एंट्री करूंगा, मार्केट आया टक से उसको टच करके निकल गया। मैं लिमिट ऑर्डर लगा के नहीं बैठा था, मैं सोचा था कि पहले आने तो फिर लिमिट लगाता है, क्योंकि पता चला यहाँ से एक सीधा ऐसा एक बड़ा सा कैंडल बन गया, फिर
तो भाई मेरा तो लिमिट ऑर्डर लगा के पूरा ऐसा तैसा हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब सीधा एक अच्छा खासा लॉस हम मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से मैंने वो थोड़ा सा वेट करने का समझा, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे वो प्राइस मिला ही नहीं, तो ये वाला एंट्री मेरा मिस हो गया। अदरवाइज ये एक अगले 3-4 कैंडल में एक अच्छा मुझे प्रॉफिट मिल जाता, मेरा दिन का जो टारगेट होता ना वो निकल जाता। चलो अब ये चीज़ हुआ, एक अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलता जहाँ से मेरा एंट्री का प्लान था, एकदम वहाँ से ही एग्जैक्टली मार्केट मुड़ा है, लेकिन चलो अब क्या ही कर सकते, हुआ नहीं। ओके एंड अब इसके बाद मैंने अपना प्लान बनाया। देखिए सबसे पहले तो मैं अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ एंट्री लिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। स्क्रीनशॉट में देखिए, मतलब ऐप का जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है, आप लोग स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि मैंने 2 ऑर्डर लिया आज, एक बाई सेल और एक बाई का मैंने बनाया था, बट उसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा सा मेरा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में आप लोग फर्स्ट ट्रेड में देख सकते हो 93 में बाई किया और 90 पे मैंने सेल किया, तो मेरा ऑलरेडी 3 पॉइंट का लॉस, मतलब 150 का लॉस हो गया था। उसके बावजूद भी मुझे एक जगह पे और लग रहा था कि यहाँ से अपू पे एक मिल सकता है, तो इसी रीज़न से मैंने उस जगह पर एंट्री बनाया था। और एंट्री मिलते ही मैं तुरंत उसको ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था, क्योंकि 150 से ज़्यादा मुझे लॉस आज किसी भी कीमत पर नहीं करना था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ यही सीन हो रहा था कि मेरा लॉस का लिमिट है 150, मैं गलती से उससे ज़्यादा कर दे रहा हूँ, ये सीन था। तो फर्स्ट ट्रेड देखिए, फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया 14:42 पे, मतलब 2:40 वाला कैंडल पे, 2:40 वाला कैंडल है यहाँ पे, ये वाला जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोगों को देखने को मिला, इस कैंडल के टॉप पे मैंने पी साइड के लिए एंट्री बनाया था। इस ये वाला जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी गलत सीन था, क्योंकि यहाँ पे 22,300 पे, जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन चेट मुझे बता रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो वही चीज़ सेम यहाँ तक भी कंटिन्यू था, लेकिन इतना देर तक टाइम पास करने के बाद जैसे मार्केट इतना बड़ा कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट दिया ना, इस जगह पर मुझे नहीं करना चाहिए था। इस जगह पे मैंने अपनी एंट्री बनाई, एग्जैक्ट इस जगह पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाने के बाद तुरंत ही आप लोग देख सकते हो कि मैं पी साइड का बनाया था, तो तुरंत ही मार्केट ऊपर चला गया। और मेरा आप लोग स्क्रीनशॉट एक बारी और दिखा देता हूँ, आप लोग देखो तुरंत 1 मिनट के अंदर तुरंत मेरा अगले ही कैंडल में हो गया 32 गोल, समझ रहे हो, अगले कैंडल में नहीं, उसी कैंडल में, ये 40 वाला इस सेम कैंडल में ऑलमोस्ट मैं इस जगह पे एंट्री बनाया था, ऑलमोस्ट इस जगह पे एंट्री बनाया था और कैंडल थोड़ा सा और ऊपर चला गया। मैं थोड़ा सा गलत बताया आप लोगों को, ये प्रीमियम का चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। पी साइड का प्रीमियम है और 14:40 वाला ना, 14:40 वाला ये रहा, 14:40 वाला ये बड़ा सा जो रेड कैंडल है, इसमें मैंने एंट्री कहाँ पे बनाया था आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, 93 पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, 93 पे, मतलब ऑलमोस्ट इस जगह पे, इस जगह पे। और इस पे एंट्री बनाने के बाद ही कैंडल थोड़ा नीचे आ गया और तुरंत मेरा 3 पॉइंट कैसल था वो मेरा हिट हो गया, तो बस मैं यहाँ से बाहर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेड मैंने कब लिया, एक बार और मैं आप लोग स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया 14:44 पे, अगले ही कैंडल पे मैंने कहाँ पे लिया, 90 रुपीज़ पे लिया। अगले कैंडल का लो कहाँ पे था, ऑलमोस्ट लो तो नहीं, इस जगह पे 90 रुपीज़ के आसपास मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद मुझे ऊपर मौका मिला था, 93 तक मिल रहा था कि अपना 3 पॉइंट बुक करो और आज का लॉस जो है उसको रिकवर करो, बट मैंने उसको बुक नहीं किया, मुझे लगा था कि अब तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो उतने में थोड़ा सा हो सकता है मेरा प्रॉफिट हो जाए, फालतू का मैं 3 पॉइंट क्यों लेके इस ट्रेड को क्लोज करूँ। तो इसी वजह से मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखा कि चलो ठीक है, जो होगा होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे मिला तो मिला, नहीं मिला तो अब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं हुआ, ये ट्रेड भी नहीं चला मेरा, तो ये भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। फर्स्ट ट्रेड में मुझे 3 पॉइंट का नुकसान हुआ और सेकेंड ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। एंड उसके बाद आज निफ्टी जो है अच्छा खासा एक अपमूव ऊपर के साइड दिया है। तो मैं देखो ट्रेड करने के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे दिखाया, अच्छा सबसे पहले मैं आज का पूरा मैंने पूरा लॉस दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख लो, ये मेरा आज का लॉस है, टोटल लॉस आज का मेरा देख सकते हो निफ्टी वाला, ऊपर का तो इग्नोर करना, वो मेरा कुछ स्टॉक्स है वो मैं बाई सेल करते रहता हूँ, उसके बारे में वीडियो नहीं बनाता हूँ। डेफिनेटली मैं उस जगह पर प्रॉफिटेबल हूँ, बट ऑप्शन वाले जगह पर थोड़ा सा, ऑप्शन पर भी थोड़ा सा 2000 के आसपास मैं प्रॉफिट में हूँ, बट स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। टोटल मेरा आज का प्रॉफिट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरा प्रॉफिट, बार बार प्रॉफिट दिमाग में सेट है, लॉस मेरा देख सकते हो 150 का लॉस आप लोग स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यही ट्रेड अगर मैं जीरोधा या धन ऐप के थ्रू लेता, पता है मेरा लॉस आज कितना रहता, 150 प्लस और 100 रुपये, 250 मेरा लॉस रहता है, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड किया, दोनों ट्रेड का ब्रोकरेज कितना बनता है, 100 रुपये। तो जो भी बिगिनर है ना, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है उनके लिए ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं खुद कम कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरे लिए ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है,
तो इसी वजह से मैं एमस्टॉक पर ट्रेड करता हूँ। एमस्टॉक पर ब्रोकरेज बिल्कुल भी फ्री है। तो आप लोगों में से भी कोई भाई अगर ऐसे ब्रोकरेज ब्रोकरेज से परेशान हो, देन डेफिनेटली एमस्टॉक पर आ जाओ, अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाके आज ही अकाउंट बना लो। ओके, एंड एक और चीज़ बता दूँ, इसमें अकाउंट बनाते ही तुरंत आपका फ्री हो जाएगा ऐसा नहीं है। अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों को 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी जाके फ्री मिलेगा। देखो डेली का, जैसे मैंने आज 2 ट्रेड किया, मुझे मेरा 100 रुपये गया ना, मतलब अगर जीरोधे या धन के थ्रू करता तो मेरा 100 रुपये जाता ना। किसी दिन मैं 3 ट्रेड करता हूँ 150 रुपये जाता, तो डेली का ऐसे 100-150 करोगे तो 2 हफ्ते में ही तो आप 1000 रुपये ब्रोकरेज भर देते हो। उससे बढ़िया है कि एक बार का 1000 रुपये पे करो और लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री का मज़ा उठाओ। सेम यही चीज़ मैंने किया, 1000 रुपये दे के मैंने अकाउंट बनाया स्टॉक पे, और भाई लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री का मजा उठा रहा हूँ। बाकी आप लोगों का मर्जी, अगर आप लोग ब्रोकरेज ब्रोकरेज से परेशान हो, मैं खुद परेशान था, मुझे इसका सलूशन मिला, मैंने खुद इंप्लीमेंट किया इसको, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे फ़ायदा दिख रहा है तभी बता रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताता। ठीक है, बस आज का इतना ही था, आज का ट्रेड्स वेड्स बता दिया, सब कुछ इतना ही था। आप लोगों का कैसा क्या क्या कमेंट करके बताना। आगे मिलता हूँ फ्रेश न्यू वीडियो से, तब तक के लिए स्टार्ट एंड बाय।